नमस्कार, मैं बबलू यादव द बटेश्वर लाइव के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। आज बहा विधानसभा में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अरविंद शर्मा के आगमन पर सुग्रीव सिंह चौहान पूर्व ब्लॉक प्रमुख पेनहाट ने चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया। अरविंद शर्मा ने उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद दिया। आपको बताते चलें कि बहा के नरहौली में सुग्रीव के समर्थन में लोगों की भीड़ का जनसमूह से कार्यक्रम स्थल खचाखच भर गया। अरविंद शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कहा 2022 में फिर से सरकार बनने जा रही है और बहा विधानसभा के लिए सुग्रीव सिंह चौहान के साथ खड़ा हूं। वहीं अटल की पैतृक स्थली बटेश्वर का जिक्र करते हुए कहा, अटल की पैतृक स्थली पर यहां के प्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। अटल महान नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक स्थली के दर्शन कर में धन हो गया। इस दौरान मंच पर सुग्रीव सिंह चौहान के साथ जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा, श्याम भदौरिया, ब्रजेश शास्त्री, मानवेंद्र सिंह राठौर, रामवरण कुशवाहा, हीरा सिंह आदि लोग मौजूद रहे। नौकरियां मिल जा रही हैं कुछ खास लोगों को। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो खाली 2-3 जिले में ही हो रहा है, जो हो रहा है वही हो रहा है। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रदेश देखता रह गया, अपनी भलाई देखता रह गया, अपने आपके ऊपर हमारे ऊपर सरकार का कब कृपा दृष्टि होगी, कब हमारे आपकी धरती को नमन करने आएंगे। यहाँ का सेना में भर्ती हुआ जवान खाली खड़ा होकर के हमारे देश की सीमाओं की रक्षा नहीं करता है, बल्कि यहाँ का बना हुआ सामान भी, यहाँ का बना हुआ टैंक, यहाँ की बनी हुई तोप, यहाँ का बना हुआ हवाई जहाज, इसी आगरा का बना हुआ हवाई जहाज भी हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करता है। और यहाँ से अपने देश की रक्षा करते हुए उन सारे सामानों का एक्सपोर्ट भी करना संभव हो पाए। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, वो पहले से भी ज़्यादा सीटें लेकर के वापस सरकार बनाने जा रही है। इसमें कहीं किसी को शंका नहीं है। आपने स्वयं देखा जो जन समर्थन एक छोटे से हमारे सिपाही के आह्वान पे, जो लाखों का जन समर्थन रहे, उनकी लाखों की संख्या में अगर लोग उमड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा विशाल वटवृक्ष है, उसकी छत्र छाया में हमारे देश, हमारे प्रदेश की बहुत प्रगति हो रही है। वो जनता का आभार है और ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है, बिना किसी भेदभाव के, बिना जात पात के विचार के सबकी सेवा कर रही है। ये भावना हमारे देश के गरीब पिछड़े में और सब में एक घर कर गई है माननीय नरेंद्र मोदी की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह समझ से, पूरी और पहले से भी ज़्यादा सीटें करके और भी बड़ी मजबूती से राज्य में पुनः सरकार बनाने जा रही है। जन समर्थन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ही उत्तर प्रदेश का नारा मैं इसलिए देता हूँ कि हमारे आपके अंदर उत्तर प्रदेश को अपना मानने की भावना जगेगी तो हम उसके लिए काम करेंगे। मैं ये बात पहले एक बार बहुत विस्तार से ये बात कह चुका हूँ, आज आपने पूछा तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ। ये है, हमारे ही बीच का बेटा, हमारे ही बीच का भाई, हमारी सरकारी संस्थाओं में काम करते हैं, हमारे ऑफिसों में काम करते हैं, हमारे अस्पतालों में काम करते हैं, हमारे स्कूलों में शिक्षक, हमारे अस्पताल में डॉक्टर, में नर्स, अपना मानते हैं तो वही बेटा, वही भाई, वही शिक्षक, वही नर्स जा करके उस अस्पताल में, उस शिक्षा मंदिर में जा करके अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभाएगा। हम जब उत्तर प्रदेश को हमारा मानेंगे, जब उसे हम हमारा यूपी कहेंगे, तो हम स्वच्छ जगहों पे पान का थूक पान खा करके नहीं चलेंगे, हम गंदगी नहीं करेंगे। इतना स्वच्छ है, कम से कम उसे अगर हम बेहतर नहीं बना सकें, कम से उसे हम बिगाड़ने के पहले 5 बार। तो ये जो अपनापन है, अपनापन जब किसी भी चीज़ के लिए आ जाता है तो उसकी बेहतरी हम रात दिन
उसकी बेहतरी के लिए, उसके कल्याण के लिए हम सोचते हैं। और इस भावना से हर नागरिक के भी के दिल में, हर नागरिक के मन में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए, उसको जगाने के लिए मैंने हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने दिखाई है और स्वाभाविक रूप से इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है, विश्व कक्षा का बनाया जा सकता है। मैंने जैसा कहा कि अब चूँकि डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है इसके अगल बगल, और भी विदेशी पर्यटक, विदेशी काम करने वाले लोग, विदेशी कंपनियां यहां इस धरती पे और भी आएंगे। और इसलिए हमें अपनी पर्यटन सुविधाओं को, किसी का साइकिल स्टैंड है तो उसको, किसी का होटल है, किसी का रेस्टोरेंट है। मुझे सुग्रीव जी ने कहा कि थोड़ा समय देर हो गई इसलिए मैं इस बातें विस्तार से नहीं बताया, लेकिन इन सारी चीज़ों में बेहतरी करने का बहुत हमें अवसर है। और तभी मैं कहता हूँ जब हम हमारा यूपी की भावना से काम करेंगे तो अपने आप सब कुछ। भाजपा के अंदर सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।